नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। परिवारवाद की दुहाई देने वाले खुद परिवारवाद में डूब चुके हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं का महत्व न देते हुए, कर्मठ जुझारू कार्यकर्ताओं का महत्व न देते हुए जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, लोजपा ने परिवारवाद को प्रश्रय देना उचित समझा। मैं बता दूं आपको कि जो बिहार में 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होनी है 21 अक्टूबर को, उसमें जो टिकट बंटवारा किया गया है उस टिकट बंटवारे में परिवारवाद को महत्व ज्यादा दिया गया है, जबकि परिवारवाद का विरोध करते हैं भाजपा, जदयू, कांग्रेस और लोजपा। और लोजपा दुहाई देते हैं कि राजद परिवार की पार्टी है। आज एक बार फिर यह साबित होता है कि लोजपा से बड़ा परिवारवाद किसी भी दल में नहीं है। परिवार के अंदर ही सारी सीटें सिमटी हुई है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे दलित सेना अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकारिणी के अध्यक्ष हो। तो अब समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान की मृत्यु हो जाने के बाद अब वहां से उनके बेटे रामविलास के भतीजे प्रिंस पासवान को टिकट दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, जबकि वहां जितने भी स्थानीय कार्यकर्ता काम करते हैं और भी जो दलित वर्ग के लोग काम करते हैं उन्हें तरजीह न देते हुए लोजपा ने लोकसभा उपचुनाव में प्रिंस यादव का टिकट फाइनल कर दिया। वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड की भी गाथा सुन लें। जनता दल यूनाइटेड बेलहर विधानसभा सीट से गिरधारी यादव जो विधायक थे वो अब सांसद चुने गए, तो उनके भाई लालधारी यादव को टिकट देना उचित समझा। उस इलाके में और जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उनकी महत्व नहीं है, उन्हें महत्व नहीं दिया गया, अब गिरधारी यादव के भाई लालधारी यादव को टिकट दी जा रही है। उसी प्रकार दरौंदा, सिवान का दरौंदा जो बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध इन दिनों सीट है, वहां कविता सिंह सांसद है जो विधायक थी, उसके पति बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति अजय सिंह का टिकट फाइनल किया गया। अब कविता सिंह की पति अजय सिंह को वहां से टिकट दिया जा रहा है। नाथनगर से लक्ष्मीकांत मंडल और सिमरी बख्तियारपुर से दिनेश चंद यादव के दूसरा रूप कह सकते हैं आप डॉक्टर अरुण कुमार को दिया जा रहा है। जब वो बड़ी जिम्मेदारी में जाते हैं तो उन्हें ही वह सीट दी जाती है। पूर्व में भी ऐसा हुआ और वो विधायक बने, वो अभी परिवारवाद में। अब आप किशनगंज सीट की ले ले बात, तो किशनगंज सीट के डॉक्टर जावेद सांसद बने तब उनके मां को टिकट दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, और भाजपा की तरफ से सिकंदर सिंह जो पूर्व विधायक थे उनके पत्नी स्वीटी सिंह को टिकट दिया जा रहा है। तो टोटल ये जितने भी पार्टी के लोग हैं एक ही चट्टे बट्टे के हैं, इन सारे लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। लालू प्रसाद यादव के परिवार का ढिंढोरा पीटने वाले, परिवार की चर्चा करने वाले, बदनाम करने वाले, आलोचना करने वाले की जुबान नहीं थकती चर्चा करते करते, लेकिन स्वयं परिवारवाद में डूबे हुए हैं, स्वयं परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष अपने को कहते हैं और कहते हैं कि जमीनी कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ वो भी परिवारवाद में डूबे हुए हैं। आखिर क्या वजह है? भाजपा परिवारवाद में डूबी हुई है, कांग्रेस परिवारवाद में डूबी हुई है। अब आप राष्ट्रीय जनता दल की बात अगर लेते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 4 सीट पर उम्मीदवार को खड़ा किया वह स्वच्छ छवि के और परिवारवाद से परे लोगों को टिकट दिया। बेलहर से पूर्व विधायक रामदेव यादव को टिकट दिया जो पूर्व में भी विधायक थे और वो कर्मठ क्षेत्र के
कार्यकर्ता हैं, दरौंदा से उमेश सिंह को टिकट दिया गया जो कार्यकर्ता थे, पंडाल और कुर्सी लगाते थे एक वक्त में। नाथनगर से टिकट दिया गया जिस महिला को, रबिया खातून को, वो अभी जमीनी कार्यकर्ता है। और सिमरी बख्तियारपुर से जफर आलम को टिकट दिया गया जो जमीनी कार्यकर्ता है। आरजेडी ने जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देना उचित समझा, उसने परिवारवाद को सहारा नहीं दिया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल छोड़ जदयू हो, लोजपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले सामंती विचारधारा के लोग, सामंती विचारधारा को जन्म देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी और भी बहुत कुछ बताना बाकी है जो मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताऊंगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।